أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. पहले तर्जुमा देख लें. या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ए ईमान वालो, इदा तनाजैतु, जब तुम आपस में सरगोशी करो. सरगोशी का मतलब यानी एक दूसरे से कान में बात करना, जिस तरह हम छुप के बात करते हैं ना पोशीदा तरीके से, कि दो आदमी एक दूसरे के कान में बात कर रहे, कि जब तुम सरगोशी करो. फला ततनाजौ बिल इस्म वल उदवानी व मासियतिर रसूल, तो ऐसी सरगोशी ना करो जो गुनाह ज्यादती और रसूल की नाफरमानी पर मुश्तमिल हो. व तनाजौ बिल बिर व तकवा, हाँ ऐसी सरगोशी करो जो नेक कामों और तकवा पर मुश्तमिल हो. व तकुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सबको जमा करके ले जाया जाएगा. इन्नम नजवा मिन शैतानी, ऐसी सरगोशी तो शैतान की तरफ से ही होती है. लियहज़ुनल्लज़ीन आमनु, ताकि वो ईमान वालों को गम में मुब्तला कर दे. वलैस बिज़ारिहिम शैयन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और वो अल्लाह के हुक्म के बगैर उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिन अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं. या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ऐ ईमान वालो, इज़ा क़ील लकुम, जब तुमसे कहा जाए, तफस्सहू फिल मजालिस, कि तुम मजलिस में गुंजाइश पैदा कर दो. फ़फ़सहू, तो तुम गुंजाइश पैदा कर दिया करो, यानी जगह दे दिया करो. फ़फ़सहू यफ़सहिल्लाहु लकुम, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए वसत पैदा कर दे, दुनिया में और आखरत में तो है ही. वइदा क़ीलन शुज़ू, और जब कहा जाए कि उठ जाओ, यानी किसी को मजलिस से कहा जाए कि उठ जाओ, फ़न शुज़ू, तो उठ जाओ. यरफ़ाल्लाहु अल्लज़ीन आमनू मिनकुम वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात, तुम में से जो लोग ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाएगा. वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला इससे बाखबर है. या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ ईमान वालों, इदा तनाजैतुमुर रसूल, जब तुम रसूल से तन्हाई में बात करना चाहो, यानी सरगोशी करना चाहो, फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका,
तो अपनी इस सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो। ذَلِكَ خَيْرُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ, ये तरीका तुम्हारे हक में बेहतर और ज़्यादा सुथरा है। فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, हाँ अगर तुम्हारे पास सदका करने के लिए कुछ भी ना हो तो فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं रहम करने वाले। इस सूरतुल मुजादला की आज आयत नंबर 9 से लेके 12 तक आप हजरात के सामने तिलावत और उसका तर्जुमा किया गया। इसमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म के अहकामात बयान फरमाए जो मोमिनीन से भी मुताल्लिक हैं और उस जमाने में उस वक्त के लिहाज से यहूद से भी मुताल्लिक थे। तो यहाँ पे 4-5 अहकामात हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इन आयात में मुतनब्बे फरमाया और इसी से मुसलमानों को भी रहनुमाई मिली कि हमें क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, हमें किस तरीके से मजलिस के आदाब समझने चाहिए, हमें किस तरीके से सरगोशी करनी चाहिए, किसी के सामने कान में बात न की जाए ताकि उसकी दिल आज़ारी ना हो। तो इन आयात के पस मंज़र में कुछ वाक़ियात हैं, 2-3 वाक़ियात आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह हमें तर्जुमा समझने में आसानी रहेगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ मिसाक़े मदीना हुआ था, क्योंकि मदीना में मुसलमान लोग भी थे और इसमें फिर मुनाफिक भी उनमें शामिल हो गए थे और इसी तरह यहूद के लोग भी वहाँ कबाइल आबाद थे। तो इन सब के साथ मिलके एक माहिदा हुआ था जो मिसाक मदीना के नाम से मारूफ। तो उसमें चूँकि एक दूसरे की जान का तहफ़ किया गया कि मुसलमान जो यहूदी हैं उनकी जान माल की हिफाजत भी करेंगे और अगर बाहर से कोई हमला करता है तो उनका साथ भी देंगे, इसी तरह वो लोग भी हमारा साथ देंगे। खैर बाहर से तो तहफ़ हो गया और एक दूसरे की जान माल वगैरह से भी तहफ़ हो गया, लेकिन ये फिर भी चूंकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे तो इस वजह से ऐसी ऐसी हरकतें करते थे कि जिसकी वजह से मुसलमानों को तकलीफ़ हो या परेशान। उसमें से एक हरकत इनकी ये भी थी कि जब देखते कि किसी मुसलमान को आते हुए देखते कोई मुसलमान आ रहा है तो दो यहूदी अगर खड़े होते तो दोनों एक दूसरे के कान में सरगोशी खुसर फुसर शुरू कर देते। अब ज़ाहिर है जब हमें देख के कोई आदमी आपस में कान में बातें करने लग जाए और हमारी तरफ देख रहा हो तो जाहिर सी बात है शुबा होता है कि शायद हमारे बारे में कोई बात कर रहा है। तो ये मुसलमानों को इस तरह तकलीफ़ पहुंचाने के लिए ये लोग ऐसी हरकतें करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मना भी फरमाया लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आए, तो उसके बारे में फिर ये आयात क्या हुई थी नाज़िल। और इस ज़मन में मुसलमानों को भी अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी कि भाई एक इस तरीके से सरगोशी ना की जाए, इस तौर पे किसी के कान में बात ना की जाए आपस में कि किसी तीसरे बंदे को लगे कि मेरे बारे में शायद बात हो रही। इसीलिए हदीस में आता है ना जिसका मफहूम है कि अगर 2-3 आदमी मजलिस में बैठे हो ना, किसी मजलिस में 3 आदमी बैठे तो एक की मौजूदगी में 2 आदमियों को इजाज़त नहीं है कि वो एक दूसरे के कान में खुसर खुसर करें बात करें, क्योंकि जब 3 आदमी बैठे हुए हैं किसी जगह कमरे में अगर 2 आदमी एक दूसरे के कान में बात करेंगे तो हो सकता है कि तीसरा बंदा ये समझे कि शायद मेरे बारे में बात हो रही, तो उसकी दिल आज़ारी होगी, तकलीफ़ हो। इसी तरह अगर किसी महफिल में बैठे हुए मजलिस में बैठे हुए तो वहाँ भी इस तौर पे शरीयत हमें बात करने की इजाज़त नहीं देती, आम हालात की बात हो रही कि जिससे लगे कि किसी दूसरे आदमी को ये लगे कि शायद ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने देखा कोई आदमी आ रहा है, जब वो आपके पास आने लगा या आपकी तरफ आ रहा है तो आप अगर दूसरे के कान में उसकी तरफ देख के कोई बात करोगे तो जाहिर सी बात है उसको लगेगा कि शायद ये मेरे बारे में कोई बात कर रहे हैं और उसकी दिल आज़ारी हो। तो इस वजह से शरीयत ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन चीज़ों से मना फरमाया कि मजलिस के आदाब हैं, इसी तरह एक मुसलमान के आदाब हैं कि उसके सामने 2 आदमी कान में सरगोशी न करें।
कोई अगर बात करनी है थोड़ा ठहर जाओ, जब वो चला जाएगा आप बात कर लो, लेकिन उसके सामने अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो जाहिर सी बात है उसको लगेगा कि शायद मेरे बारे में बात कर रहे, जिस तरह के उस वक्त मुसलमानों को लगता था कि यहूदी मेरे बारे, और यहूदी जानबूझ के ऐसी हरकतें करते थे ताकि मुसलमानों को परेशानी में डालें, तंगी में डालें, कि जब ये लोग देखेंगे कि यार हमारे बारे में बात हो रही तो परेशान हो जाएंगे, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, तो खामखा परेशान करना। तो एक तो ये इस तरह के वाकयात थे, यहूदी इस तरह की हरकतें करते थे, तो उससे इन आयात में अल्लाह ताला ने मना फरमाया, और उसके साथ मुसलमानों को भी हिदायत मिल गई। साथ साथ हम देखते भी जाते हैं, तो पहली आयत में देखें उसका तज़किरा है, और इससे भी अगर पिछली आयत देखी जाए, अगर आप आयत नंबर 8 देखें, अलम तर इलल लदीना नुहू अनिन नजवा, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा कि जिनको सरगोशी से मना किया गया था लेकिन फिर भी वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना भी फरमाया लेकिन फिर भी वो लोग बाज नहीं आते। एक तो वो लोग ये हरकत करते थे, दूसरे जिस तरह के पहले भी ये बात आ चुकी है और पिछली आयत में उसका तस्करा भी है, वईदा जाओ का हयू का बिमा लम युहयी का बिहिल्ला, कि जब वो आपके पास आते हैं इस तौर पे सलाम करते हैं कि जैसे अल्लाह ने सलाम नहीं सिखाया, अल्लाह ने सलाम उनको, तो ये क्या करते थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो मुसलमानों के आदाब में से एक अस्सलामु अलैकुम हम लोग कहते हैं, तलफ्फुज़ सही हम अदा करते हैं, अस्सलामु अलैकुम बेहतरीन दुआ है कि जब किसी से मिले तो उसको सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम मतलब है कि तुम पर सलामती हो। तो ये यहूदी जब आपके पास आते थे तो ये अस्सलामु अलैकुम कहने के बजाय अस्सामु अलैकुम कहते, अस्सलामु अलैकुम अस्सामु अलैकुम, इसका मतलब क्या है कि तुम पर हलाकत, और उनकी इबरानी जुबान में इसका मतलब भी ये था कि तुम पर हलाकत। तो एक तो हमने पढ़ा था गालिबन पहले पारे में कि मुसलमानों को वहां इससे मना फरमाया गया था कि तुम मुसलमान भी बाजू का देखा देखी उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने लगे, कि एक तो वो अल्फाज इस्तेमाल ना करो, इसी तरह इन अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल ना करो कि जिससे ये बद्दुआ के तौर पर इस्तेमाल होने लगे। तो दूसरा यहूदी ये भी हरकत करते थे, और फिर ये कहते थे वयकूलूना फी अनफुसिहिम लौला युअज्जिबुना अल्लाहु बिमा नकूल, कि हम इस तरह की बातें करते हैं लेकिन फिर भी अल्लाह हम पे अज़ाब क्यों नहीं नाजिल करते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हस्बुहुम जहन्नम, तुम्हारे लिए जहन्नम काफी, जब मरोगे तो सारी चीजें तुम्हारे सामने क्या हो जाएंगी, वाजे हो जाएंगी, सिर्फ आंख बंद करने की देर है, सब हकीकत हाल क्या हो जाएगी, वाजे हो जाएगी। कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं मानता तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, नहीं मानता तो मर के देख, जैसे ही आंखें बंद होंगी हर चीज सामने वाजे हो जाएगी। लोग मानते नहीं ना, हम तो नहीं मानते, हमारी समझ में तो नहीं आती कि मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाएंगे, हमारी समझ में तो नहीं आती कि इस तरह का कोई वाकया पेश आ जाएगा, इतने अरसे से दुनिया चल रही है और ये मुसलमान पता नहीं कैसी बातें करते हैं कि आज मर जाएंगे और कल को क्यामत कायम होगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। खैर अब तो साइंस ने सारी चीजें वाजे भी कर दी। तो एक तो इस तरह के वाकयात, कि पहला वाकया कि ये सरगोशी करते थे आपस में कानों में मुसलमानों को देखकर, जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती थी, और दूसरा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके सलाम गलत तरीके से, एक जगह हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला ने जब ये अल्फाज सुने तो आप अलैहि रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उनको बद्दुआ दी, वालेकुम अस्सलाम कहा कि तुम पर अल्लाह की लानत हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, तो उन्होंने फरमाया दिखते नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे आपको इन्होंने गलत बद्दुआ दी, तो आपने फरमाया नहीं मैंने उनको वालेकुम कह दी, उनकी बद्दुआ तो नहीं लगेगी लेकिन मैंने उनको वालेकुम कह दिया कि तुम पर भी हो, यानी जो तुम मेरे बारे में कह रहे हो यही तुम पर भी हो, और मेरी बद्दुआ उनको लग जाएगी, लिहाजा हम क्यों गलत अल्फाज दूसरे के बारे में इस्तेमाल। तो एक तो इस आयत में जो पहली आयत हमने तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाज़ईतुम, ऐ ईमान वालों जब तुम सरगोशी करो, यानी किसी बारे में अगर कोई बात करनी भी हो, सरगोशी की बात करनी भी हो, तो गुनाह की सरगोशी ना करो, किसी पर ज्यादती की सरगोशी ना करो, अल्लाह की मासियत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में सरगोशी ना करो, यानी कोई गुनाह का काम ना करो, बल्कि अगर वाकई भी ऐसी बात है कोई मशवरा है तो मशवरा लेना अच्छी बात है, वो ले सकते हैं,
और अगर आप देखते हैं कि मजलिस का माहौल इस तरह है, मिसाल के तौर पे कोई मीटिंग चल रही है, सही मीटिंग के बाद भाई अभी इजाज़त दी दी गई है, आपस में दो तीन लोग मशवरा कर लें, फिर उसके बाद दोबारा हम डिस्कस कर दें, तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो वहाँ चूंकि किसी को मायूब नहीं लगेगा, तो ऐसी सूरत में कर लें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ऐसी मजलिस के जिसमें हमें लगे कि तीन चार आदमी बैठे हुए और दो आदमी कानों में फुसर फुसर कर रहे हैं और ऐसे अंदाज से लग रहा है कि वो किसी और की गिबत कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर दूसरे बंदे को तकलीफ होगी। तो लिहाजा ऐसा मशवरा करने से, ऐसी सरगोशी करने से जो गुनाह का काम है, इससे इस आयत में हमें मना करना मजलिस के आदाब कि इस तरह की कोई भी बात ना करें। हाँ, जो बात है वाजे खुल के करें, बुलंद आवाज से करें ताकि सबको आवाज़ आए, किसी को ये ना लगे कि मेरे बारे में गिबतें कर रहे हैं या मेरे बारे में कोई ऐसी बातें कर रहे हैं, जिस तरह आमतौर पर हम कहीं इकट्ठे हो जाते हैं तो इस तरह की बातें वहाँ शुरू हो जाती। तो या अय्युहल लदीना आमनु, ईमान वालो, इदा तनाजे तुम, तब जब तुम सरगोशी करो, फला ततनाजो बिल इस्मि वल उद्वान, तो गुनाह के कामों में और इसी तरह सरकशी में और रसूल की नाफरमानी में, यानी इस तरह की सरगोशी ना करो, वतनाजो बिल बिर तकवा, और नेकी, हाँ ऐसी सरगोशी करो जो नेकी के कामों पर मुश्तमिल हो और तकवा के कामों पर मुश्तमिल, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, के जिसकी तरफ तुम जमा करके ले जाए जाओगे, यानी क़यामत के दिन। इन्नमन नजवा मिनश्शैतान, ये सरगोशी यानी जो गुनाह की सरगोशी है, सरगोशी मैंने बताया ना कान में चुपके से बात करना किसी के खिलाफ, ये सरगोशी तो शैतान की तरफ से है कि शैतान तुम्हें ऐसी हरकत करने पर उभारता है, जुल्म करने पर उभारता है, गुनाह करने पर उभारता है, गइबत करने पर उभारता है। तो लिहाजा ये सरगोशी, गुनाह की सरगोशी, ये तो शैतान की तरफ से है। लियहज़ुनल्लज़ीन आमनु, ताकि ये ईमान वालों को गमगीन कर, जिस तरह यहूदी सरगोशी करते थे, क्यों सरगोशी करते थे, कान में यानी बात कोई नहीं, ऐसे कान में बात कर दी ताकि दूसरे को लगे शायद मेरे बारे में कोई बात कर रहे हैं और वो परेशानी में मुबतला हो जाए, ताकि ये ईमान वालों को परेशानी में गम में मुबतला कर, ये सरगोशी तो शैतान की तरफ से है ताकि ईमान वालों को गम में मुबतला कर दें। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, वलैसा बिज़ारिहिम शैयन इल्ला बिइज़्निल्लाह, लेकिन अल्लाह के हुक्म के बगैर ये लोग जो हैं ज़र्रा बराबर भी मुसलमानों का या किसी का भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते, लिहाजा मुसलमानों को भी तसल्ली दे दी, अगर ये ऐसी हरकतें करते हैं लिहाजा करने तो इसमें कोई हरज नहीं है, मुसलमानों को कोई तंगी वगैरह नहीं आनी चाहिए। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, और मोमिन लोग जो हैं वो तो अल्लाह ताला ही पर भरोसा करते हैं। ये तो एक अदब हमें यहाँ तक इन दो आयतों में सिखलाया गया, एक तो मजलिस के आदाब में से, और इसी तरह किसी मुसलमान की या किसी भी शख्स की इस तौर पर सरगोशी करना कि उसको लगे कि शायद मेरे बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, तो शरीयत ने इन आयात में हमें इस तरह की सरगोशी यानी चुपके से बात करने से हमें मना कर, लिहाजा एक तो इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी आयत देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा क़ीला लकुम तफस्सहू फिल मजालिस फफ़स्हू यफ़स्हिल्लाहु लकुम वइज़ा क़ीला इन्शुज़ू फ़न्शुज़ू यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। इस आयत में भी मजलिस के आदाब सिखाए गए। पहला अदब ये सिखाया गया कि अगर मिसाल के तौर पे कोई जगह ऐसी है, कोई मजमा है, कोई बयान चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं, जुमे का दिन है, या वैसे कोई मजलिस है, वैसे कोई मीटिंग है, कहीं लोगों की गैदरिंग है, चाहे शादी में है, चाहे किसी पार्टी में है, चाहे किसी और जगह पर है, अच्छी महफिल में है, कहीं भी अगर गैदरिंग है, लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे तौर पे अगर कोई और आदमी आ जाता है मजलिस में, कोई और आदमी आ जाता है, लेकिन ऐसा वो आदमी इस वक्त पे आया कि देखा मजलिस में जगह नहीं, आप मिसाल के तौर पे घर फैमिली है, फैमिली मेंबर है, सारे पांच छह लोग बैठे हुए हैं, सही, कोई अचानक भाई आ गया, कोई और आ गया, उसके बैठने के लिए जगह नहीं है, तो शरीयत कहती है कि उसको जगह दो, थोड़ी सी मजलिस को शादा कर, थोड़ी सी जगह दे दें, आप एक जगह मिसाल के तौर पे एक कारपेट है, उस पर आप पांच छह बंदों की जगह आप बैठे हो, अचानक एक और बंदा आ गया, तो आप ही के
चाहे जानने वाले में या नहीं जानने वालों में से वो आ गया और वो भी उस मजलिस में शरीक होना चाह रहा है, तो शरीयत कहती है कि उसको थोड़ी सी जगह दे दो, सारे थोड़ी थोड़ी जगह बनाएंगे तो उसकी जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर सारे ऐसे ही बैठे रहें उसको कोई जगह ना दे तो ये आदाब के खिलाफ, तो जगह देनी चाहिए मजलिस के आदाब में से तो उसको जगह दे। या इसी तरह अगर मजलिस के इंतज़ामिया जो है उसने देखा कि कोई आदमी आए हैं, कोई इस तौर पे आए हैं लेकिन उनको जगह देनी है, और वो अगर किसी आदमी को वहाँ से उठा देते हैं यानी अदब एहतराम से उठा देते हैं, तो ऐसी सूरत में भी कोई हर्ज नहीं, उसको भी चाहिए नागवारी महसूस ना करे, नाराज़ ना हो। एक तो मजलिस वालों को भी ख्याल करना चाहिए पहले जगह दे दें। लेकिन अगर वो जगह नहीं देते तो इंतज़ामिया चाहती है कि उस आदमी को थोड़ा आगे बिठाएं, कोई मुअज्जज आदमी है या कोई इस तरीके से, वो अगर किसी आदमी से कहते हैं कि आप थोड़ी सी जगह दे दें, आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, उसको भी नागवारी नहीं होनी चाहिए। तो शरीयत ने दोनों जानिब का लिहाज रखा है कि मजलिस के आदाब में से ये कि जब कोई दूसरा आदमी आए तो उसको जगह दे। मिसाल के तौर पे मस्जिद में आप लोग बैठे हुए हैं, जुमे का दिन है, जगह थोड़ी हो गई, अचानक अभी देखा कोई और आदमी आ गए दो चार, तो अब थोड़ा थोड़ा सारे खिसक जाए ताकि उनको क्या दे दे, जगह दे दे। नहीं ये कि सारे अपनी जगह जम के बैठे हुए, अब वो खड़े हैं सारे तो खड़े रहे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, नहीं ये मुसलमानों का काम, मुसलमानों का काम है कि मोहब्बत अपना दिल बढ़ा, जगह दें उनको, बिठाएं साथ दें, थोड़े थोड़े सारे खिसक जाएंगे जगह बन जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं, कोई मसला नहीं। और इसी तरह जब कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाना चाहिए। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हुए थे कि कुछ मस्जिद में वो जो चबूतरा बना हुआ था साहब सुफा का, तो वहाँ कोई बयान चल रहा होगा, तो मजलिस में बैठे देखा कुछ बदरी साहबी आए और उनके लिए जगह नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो साहबा जो वहाँ थे उनसे अर्ज़ किया कि आप उठ के थोड़ा सा साइड पे हो जाए ताकि उनको भी जगह मिल जाए। तो यहाँ मुनाफिकीन ने फिर उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी कि देखो ये कैसे लोग हैं, से ये यहाँ जो लोग बैठे थे उनको उठा दिया और दूसरों को यहाँ पे बिठा दिया, इस तरह की बातें शुरू हो गई अव्वल तो। और वहाँ इस मौके पे उनको भी चाहिए था कि जगह को शादा कर देते, तो इस मौके पे ये फिर आयात नाजिल हुई कि ईमान वालों कि जब इस तरीके से कोई मजलिस में आ जाए और जगह ना हो तो उसको थोड़ी सी जगह दे दिया, अगर तुम उनके लिए वसत पैदा करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे लिए दुनिया और आखरत में वसत कर देगा, कुशादगी पैदा कर देगा। आखरत में है यह कि जन्नत अल्लाह ताला इतनी वसी देगा मुसलमानों को कि जिसकी कोई हद ही नहीं होगी, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं उनके लिए क्या कर दूंगा, कुशादगी पैदा कर दूँ। और इसी तरह जब उनसे कहा जाता है उठ जाओ तो उठ जाना चाहिए कि वो लोग जो ईमान वाले हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएगा, जो इलम वाले हैं उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाएगा। तो ये दूसरी आयत हमारी जिसमें अल्लाह ताला ने मजलिस के ये आदाब सिखाए कि अगर मजलिस फुल हो गई है, जगह फुल हो गई है, चाहे वो आपकी क्लास है, चाहे कोई बैठने की जगह है, चाहे आपके किसी दर्स की जगह है, चाहे पब्लिक प्लेस है, कोई इस तरह की कोई भी जगह है, मस्जिद है कि जहाँ सब लोगों को आने की इजाज़त थी और लोग आगे बैठे, जगह फुल हो गई, अब कोई आदमी आता है तो मजलिस के आदाब में से ये है, उसके रिस्पेक्ट ये है कि उस मुसलमान को भी थोड़ी थोड़ी खिसक जाएंगे तो उसकी जगह भी वहाँ पे बन जाए। और इसी तरीके से अगर इंतज़ामिया को कुछ मसलहत के तौर पे किसी को उठाना पड़े, कोई सेटिंग करनी पड़े, तो उनको भी इजाज़त है इस चीज़ की, बिला वजह तो ना उठाएं, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत पेश आ जाए तो उनको इजाज़त है कि कुछ सेटिंग करने की, जिस तरह हमारे प्रोग्राम वगैरह होते हैं कि यहाँ ये उन लोगों की जगह है, ये फलां लोगों की जगह है, इस तौर पर अगर इंतजाम के तौर पर उनको बिठाना चाहें तो उसकी भी शरीयत में इजाज़त। तो ये आदाब हमें इस आयत में अल्लाह ताला ने सिखाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालों इज़ा क़ीला लकुम जब तुमसे कहा जाए तफस्सहू फिल मजालिस कि अपनी मजालिस में कुशादगी पैदा करो, फफसहू तो कुशादगी पैदा कर दो, यफसहिल्लाहु लकुम अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा कर, व इज़ा क़ीला इंशुज़ू और जब कहा जाए उठ जाओ, शुज़ू उठ जाओ, यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम अल्लाह ताला बुलंद कर देगा उन लोगों को जो कि तुम में ईमान वाले हैं, वल्लदीन ओतुल इल्मा और जो इल्म वाले हैं दर्जात दर्जात के लिहाज, यानी अल्लाह ताला अहले ईमान और अहले इल्म वालों के दर्जात को बुलंद फरमा दे, वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर और अल्लाह ताला जो तुम काम करते हो उन तमाम से बाखबर। तीसरी आयत देखें,
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा नाजैतुमुर रसूला फ़क़द्दिमु बैना यदै नज़्वाकुम सदक़ा ज़ालिका ख़ैरुल लकुम अतहर फ़इन लम तजिदू फ़इन्नल्लाहा ग़फ़ूरुर रहीम। ये भी शुरू वाली पहली आयत से मुताल्लिक़ है कि इस तरह के वाक़यात भी पेश आने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मदीना में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करता सरगोशी करता, जिस तरह मजलिस होती मजलिस के बाद कोई आदमी मसला पूछने आ रहा है, कोई आदमी पर्सनल तौर पे कोई चीज़ पूछना चाह रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी कि जब तक वो बात ख़त्म ना हो जाती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात को काटते नहीं थे और तवज्जो भी वहाँ से हटाते नहीं थे। तो इन यहूद ने और इन मुनाफिकीन ने इस तरह की हरकतें शुरू कर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाम खा के मशवरे शुरू कर देते, लंबी लंबी तफसीलात शुरू कर देते, लंबी चौड़ी बातें शुरू कर देते, हालांकि उसका कोई ताल्लुक होता नहीं था। इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तंगी होती थी और मुसलमानों को भी तंगी होती कि आगे यहूद और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरे शुरू कर दिए और आधा आधा घंटा बैठे हुए हैं, पौना पौना घंटा बैठे हुए हैं और मजलिस चल रही है, सही मशवरा चल रहा है, तो इस आयत में अल्लाह ताला ने उसके लिए एक तरीका इख्तियार फरमाया ताकि मुसलमानों को भी इस परेशानी से बचाया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस परेशानी से बच जाए। वो तरीका क्या इख्तियार फरमाया? वो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जब तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मशवरा करना तो मशवरा करने से पहले तुम कुछ ना कुछ सदका करो। जिस तरह हम कहते हैं ना सेक्रेटरी से टाइम ले लो या फलां कर लो या इतनी फीस है मेरी, तो फीस तो नहीं इसको कह सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया भाई बिला वजह हर बंदा आ रहा है, बिला वजह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं और बात वाकई कोई काम की नहीं है और आधा आधा घंटा पौना पौना घंटा मशवरे हो रहे हैं जिसमें सरगोशियाँ हो रही हैं, मुसलमानों को भी तकलीफ हो रही है और मुसलमानों के लिए टाइम नहीं बच रहा है। तो इस तरीके की जब ये हद से बढ़ने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त भी ज़ाया रहा, तो आप अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करने से पहले कुछ ना कुछ सदका खैरात कर दिया। अब जब ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो अब ज़ाहिर है जिसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करनी है मशवरा करना है उससे पहले उसको सदका देना पड़ेगा, अब तो मौत आ जाएगी पैसे निकलते हुए। तो काफ़ी हद तक ये हुआ कि ये सिलसिला रुक गया, खासतौर पर जो यहूदी थे बिला वजह टाइम ज़ाया करने आते थे तो वो रुक गए। सिर्फ ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मशवरा करना था और उन्होंने पहले सदका किया, सदका करने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके मशवरा किया और मशवरा करने के बाद फिर उसके बाद चले गए, टाइम लिया उसके बाद चले, और उसके बाद फिर इस आयत का हुक्म भी मनसूख हो गया था कि ये हुक्म चंद दिनों के लिए था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि यहूद और ये इस तरह के मुनाफिकीन जो है वो इस तरह की हरकतें करने से बाज आ जाए, और वो वाकई बाज आ गया, पैसे देने पड़ रहे हैं अभी सदका करना पड़ रहा है तो सदका दे के मशवरा करना, उन्होंने कहा छोड़ो यार मशवरा कौन करे, हम तो ऐसे ही मजाक करने जाते थे, हम तो ये करने जाते थे। तो मुनाफिकीन का ये हुआ, मुनाफिकीन और यहूद, कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त ज़ाया करना छोड़ दिया, एक तो ये फ़ायदा हो गया। और चंद दिनों के बाद चूंकि मुसलमानों की इसमें तकलीफ थी भाई यार मशवरा हर दफ़ा कोई मशवरा करने उससे पहले सदका करें, मशवरा करने सदका करें, तो इस वजह से ये चंद दिनों के बाद ये हुक्म भी अल्लाह ताला ने मनसूख फरमा दिया। आयत तो बाकी है लेकिन इसका हुक्म वो वाला फिर बाकी नहीं रहा, क्योंकि जो मकसद था वो अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं इस आयत के बारे में कि कुरान मजीद की ये वो वाहिद आयत है कि जिस पे सिर्फ मैंने अमल किया और किसी ने अमल नहीं किया, यानी मौका ही नहीं मिला किसी को। ये आयत नाजिल हुई है उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को उन्हीं दिनों में कोई मशवरा करना था, आपने सदका किया, सदका करने के बाद मशवरा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मशवरा करने के बाद उस मशवरे पे अमल किया और उसके फौरन ही बाद ये हुक्म भी क्या हो गया था मनसूख। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फ़ख्र से कहा करते थे कि कुरान मजीद में ये वो आयत है कि जिसके बारे में मुझे फ़ख्र है कि इस आयत पर सिर्फ मैंने अमल किया है और किसी ने अमल नहीं किया या किसी को अमल करने का मौका ही नहीं मिला। तो ये असल में तदारुक था उन चीज़ों का जो ये यहूदी करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त ज़ाया करते थे,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों का टाइम ज़ाया करते थे, वक्त ज़ाया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचाना, मुसलमान को खामखा परेशान करना मकसूद था। तो उसका तदारुक, उसको रोकने के लिए अल्लाह ताला ने ये हुक्म उस वक़्त नाजिल फरमाया था, और ये चूंकि मैंने फरमाया कि ये हुक्म फिर मनसूख हो गया। तो तर्जुमा देख लें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इदा नाजैतुमुर रसूल, जब तुम रसूल से तन्हाई में कोई बात करना चाहो, फ़क़द्दिमू बैने यदै नजवाकुम सदक, तो अपनी सरगोशी करने से पहले कुछ ना कुछ सदका भेज दिया करो, मतलब ये कि सदका कर दिया करो। ज़ालिका खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर भी है, व अतहर, और ज़्यादा पाकीज़ा भी है। फ़इन लम तजिदु, हाँ अगर तुम्हारे पास सदका करने के लिए कुछ ना हो, जैसा कि कुछ मुसलमानों की, फ़इन अल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाले, बड़े रहम करने वाले। जी दोबारा एक दफ़ा सिर्फ तर्जुमा देख लें, ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से सरगोशी करो, तो ऐसी सरगोशी न करो जो गुनाह, ज्यादती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी पर मुश्तमिल हो। हाँ ऐसी सरगोशी करो जो नेक कामों और तकवे पर मुश्तमिल हो, और अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सबको जमा करके ले जाया जाएगा। इन्नमन नजवा, ऐसी सरगोशी तो शैतान की तरफ से ही होती है, ताकि वो ईमान वालों को गम में मुबतला कर दे, और अल्लाह के हुक्म के बगैर वो उन्हें ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अल्लाह ही पर मोमिनों को भरोसा रखना चाहिए। या ईमान वालों, जब तुमसे कहा जाए मजलिसों में गुंजाइश पैदा करो, कुशादगी पैदा करो, तो कुशादगी पैदा कर दिया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए उसत पैदा फरमा देंगे। और जब तुमसे कहा जाए उठ जाओ, तो उठ जाओ। तुम लोगों में से जो लोग ईमान लाए और जिनको इलम अता किया गया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाएगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे पूरी तरह बाखबर। ईमान वालों, जब तुम रसूल से तन्हाई में कोई बात करना चाहो, फ़क़द्दिमू बैने यदै नजवाकुम सदका, तो अपनी इस तन्हाई की बात से पहले कुछ सदका कर दिया करो। ज़ालिका खैरुल लकुम व अतहर, ये तरीका तुम्हारे हक में बेहतर और ज्यादा पाकीज़ा है। फ़इन लम तजिदु, हाँ अगर तुम्हारे पास सदका करने के लिए कुछ ना हो, तो अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले, बहुत रहम करने वाले। तो यह आज सूरतुल मुजादला की चार आयात आपके सामने तिलावत और उनका तर्जमा और तफसीर हमने समझी, कि जिसमें एक तो मशवरे से मुतालिक अल्लाह ताला ने हिदायत दी, सरगोशी से मुतालिक कि किस तरह सरगोशी, अगर मशवरा करना पड़े किसी से, तो उसके कान में कब बात करने की इजाज़त है, किस तौर पे इजाज़त है और किस वक़्त इजाज़त नहीं है, और जो यहूद करते थे उससे अल्लाह ताला ने तदारुक का तरीका भी सिखा दिया। और इसी तरह दूसरा मजलिस के आदाब में से आपसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मजलिस के आदाब में से ये भी है कि जब कोई बाद में आए, तखीर से आए, और उस टाइम जगह ना हो, तो बाकियों को चाहिए कि उसको कुछ ना कुछ गुंजाइश पैदा करते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह बनाएंगे तो उसके लिए भी जगह हो जाएगी। ये उसके मुसलमान के आदाब में से, उसके एहतराम के और इंसानियत का तकाजा भी। तो इस वजह से इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।